पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अब पंजाब में एक दर्जन के लगभग बड़ी कतार के नेता भाजपा में शामिल होने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। इनमें से तीन नेता सुनील जाखड़ के अति करीबी हैं। चाहे चुनाव के दौरान दर्जन के लगभग अकाली दल और कांग्रेस में से बड़े कद के नेता भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अब तक उनको भाजपा ने सुच्चे मुंह रखा हुआ है और उन्हें चेयरमैन सदस्यता या डायरेक्टर पदों पर नहीं बिठाया। यहां तक कि कैप्टन अमरेंद्र द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद यह जोर मचा था कि भाजपा में जाने पर उनको गवर्नर बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चार पांच ऐसे शिखर चेहरे हैं जो लंबे समय से भाजपा में हैं, उनके हाथ अब तक कुछ नहीं लगा, लेकिन उनकी सरदार सरकार दरबार और दिल्ली में पहुँच जरूरी बात बताई जा रही है। शायद इसी कारण अब कांग्रेस नेता अपनी पहुँच और सरकार दरबार में बातचीत बढ़ाने के लिए आ रहे हों। सूत्रों ने बड़ा अंदेशा जताया है कि सुनील जाखड़ को भाजपा राज्यसभा मेंबर्स की कुर्सी दे सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो फिर कोई नेता भाजपा का दामन थामने से पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।